अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर का अब जल्द ही उद्घाटन होने जा रहा है। आज से ही इसके कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। इसके लिए अब अयोध्या में राम मंदिर के भव्य समारोह से पहले प्रायश्चित पूजा की शुरुआत कर दी गई है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आखिरी के चंद दिनों का फासला है या समय बचा है, और इसके पहले अयोध्या नगरी में पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठानों की शुरुआत की है। ये प्रायश्चित पूजा के जरिए रामलला से माफी मांगी भी जा रही है। राम मंदिर गर्भगृह को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का मुख्य यजमान बनाया गया है। बता दें, मुख्य यजमान का प्रायश्चित कर्म भी अब बेहद जल्द शुरू होने जा रहा है। हालांकि पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये प्रायश्चित पूजा है क्या और पुरोहितों से किस तरह से इस अनुष्ठान की शुरुआत की है। सबसे पहले प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजा की जा रही है। माना जाता है कि रामलला की प्रतिमा बनाने में छेनी और हथौड़े के इस्तेमाल के चलते उन्हें चोट पहुंची होगी। इसके लिए माफी और प्रायश्चित मांगी जाती है और कर्म कुटी पूजा के जरिए ये माफी मांगी जा रही है। बता दें कि मुख्य यजमान यानी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का भी प्रायश्चित कर्म अब शुरू होगा, जिसके बाद ही वे प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के योग्य होंगे। सबसे पहले मुख्य यजमान का 10 विधि स्नान होगा, साथ ही साथ प्रायश्चित का अंगभूत हवन भी चलता रहेगा। हवन के पूरा होने के बाद ही वह पंचगव्य का प्राशन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने भी अपना बयान दिया और कहा, श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का श्री गणेश 17 जनवरी को यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों और चारों द्वारों के पूजन से होगा। इस विधान की पूर्णता के बाद ही आगे के विधान आरंभ किए जाएंगे। 16 स्तंभ और 16 देवताओं के प्रतीक है। इनमें गणेश, विश्वकर्मा, ब्रह्म, वरुण, अष्टवसु, सोम, वायु देवता को सफेद वस्त्र, जबकि सूर्य और विष्णु को लाल वस्त्र, यमराज, नागराज, शिव, अनंत देवता को काले और कुबेर, इंद्र और बृहस्पति को पीले वस्त्रों में निरूपित किया जाएगा। बता दें कि राम मंडप के द्वारा चार वेदों और उन द्वारों के दो दो द्वारपाल चारों वेदों की दो दो शाखाओं के प्रतिनिधि माने गए हैं, और तो और इन चारों वेदों की विधि विधान के साथ पूजा भी करवाई जाएगी। राम मूर्ति की पूजा के बाद प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू होंगे। भगवान का कर्म कुटीर किया जाएगा। आगे के दिनों में प्राण प्रतिष्ठा होने तक प्रधान वेदी के समक्ष नांदी श्राद्ध को छोड़कर शेष चार पूजन क्रियाएं करवाई जाएंगी। 18 जनवरी को गर्भगृह में विग्रह प्रतिष्ठित होगा। जिस प्रासाद में विग्रह प्रतिष्ठित होना है उसका स्नपन 81 कलशों में भरे पवित्र जल से किया जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन के अहम मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूर्ण होते ही उस शलाका को खींच लिया जाएगा और संपूर्ण विग्रह अपने स्थान पर स्थिर हो जाएगा। देखा जाए तो शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रही यह प्रायश्चित पूजा के कई मायने हैं। हालांकि अब 22 जनवरी की तारीख में ज्यादा दिनों का समय नहीं बचा है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पंडाल सज चुके हैं और पूरा देश अब राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के दिन राममय होने जा रहा है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।